ये महाराज जी एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो पेशियां होती है भाई, उसमें हमारे भाई भी हैं, हमारी माता बहन भी हैं जो कि पेशियां लेती है, सिर हिलाती हैं, और कुछ लोग उसको केवल पाखंड बताते हैं भाई, इस पर थोड़ा हा आप एक प्रकाश डालो। ये महाराज जी एक क्वेश्चन और है मेरा, जागरणों में ऐसी जो दरबारों में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पेशियां होती है भाई, उसमें हमारे भाई भी हैं, हमारी माता बहन भी हैं जो कि पेशियां लेती है, सिर हिलाती हैं, और कुछ लोग उसको केवल पाखंड बताते हैं भाई, इस पर थोड़ा हा आप एक प्रकाश डालो कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। मानते हैं भी किसी के घर में पाखंड हो सकता है, किसी दरबार में कोई पाखंड कर सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में भी तो मैंने ये चीज देखी है, फिर इसको पाखंड का रूप क्यों दिया गया है, थोड़ा विशेष खोलो बताओ इस पे। आपने आज के समय के अनुसार ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जो नए बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो इस चीज़ को नहीं मान रही है। देखो, हम तो हाथ जोड़ के यही कहेंगे सभी से कि आप माने या ना माने वो आपकी वो है, लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो भाई वीडियोस पर भाई साहब ये बात छेड़ी है, कुछ गलत कमेंटिंग भी कर देते हैं, उनके लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा। आप पहले अपने घर जाके पूछो कि आप आपके माँ बाप भी इस चीज़ को मानते हैं नहीं, या कब से नहीं मान रहे, एक पीढ़ी से नहीं मान रहे, उससे पहले वाले भी, वो सदा मानते आए और चलते आए, और उनकी वजह से आप जिस भी मुकाम पर हो ना, उन्हीं की सोच की वजह से हो। देखो, मिट्टी उठावे सोना हो जाए, एक लाखों की दवाई जो काम नहीं करती, एक बाबा की बहुत कर दिया अगर, ऐसा हमारे गांव के खेड़े का, पितरा का, दादा का, हर गांव में एक देवता की तुल्य साधु संत की समाधि होती है। तो आप खुद अपने अपने उदाहरण खुद देखें कि आप मत्था टेकने से आपको कैसी संतुष्टि मिलती है। तो भाई देवता समाधि से ही बोलते हैं, और पेशे में बोलते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आप देखते हैं किसी माता बहन को अपना शरीर तुड़वाने का शौक नहीं है, ठीक बात, कि वो भित्तों में टक्कर मार रही है, या बालाजी आपने खूब देखा हुआ वीडियो के अंदर, ना देखा हो तो मेहंदीपुर सरकार जाके देखो, बाबा की शक्ति, माता के कलकत्ता धाम पे जाके देखो, आपने पता चला कितने हजारों लाखों रोगी जूझ रहे हैं परेशानी से। तो भाई जिसको ऊपर बीतता वो जाने। पर महाराज जी चलो, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखा था, और वो काफी इसे सोशल मीडिया में वो वायरल भी हुआ कि एक भाई कलाकार भाई ने ये कहा कि किसे हनुमान जी आवे तो पाड़ दे, किसे माता आ जाए तो तोड़ दे, बस शेर पे क्यों नहीं बैठती, ये सब बोला ढोंग दतूरे हैं, ऐसा है दकड़ा है। क्या महाराज जी सच में ही मतलब ये हनुमान जी और माता जी आवे हैं, या मतलब कोई और रूप को है अगर इनका? किसी के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, सुनो भाई गौर से, देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते, प्रवेश तो कोई और चीज करे है, वो महाराज जी बताऊंगे, गौर तो सुनते जाइयो, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो देख कर उसमें बिरने के लिखने लग जाए, के कमेंट हो जाए, यो मैं विशेष आज बीजीएन मीडिया ग्रुप में गहराई तक पूछ नहीं रहे ना, खाली ऊपर ऊपर की बात बना दी, हनुमान गीता आ गया, वो आ गया, हम स्पष्टीकरण करेंगे, क्यों भक्तों को बदनाम कर रहे हो भाई आत्मा, ठीक बात है, मेरे लिए बात नहीं बोल रहा मैं, जितने भी दरबार चौकियां हरियाणा में, राजस्थान, यूपी, हमारे पूंडी इंडिया में, हमारा देश धर्म आस्था चल रहा है जी, और ये खासकर जो आप कह रहे हो कलाकार है, कोई कौन है वो कलाकार, चलो नाम आप नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन अरे ये भक्तों की संतों की महिमा है कि आप आज कलाकार ही कर रहे हो। नहीं ठीक बात है महाराज जी, लेकिन देखो भाई बीजीएन मीडिया ग्रुप के टाइटल में एक चीज नीचे लिख रखी है, हर कदम सच्चाई की ओर। भाई हम दोनों पक्ष जाने बगैर हवा में तीर नहीं मारेंगे, हम महाराज जी तसल्ली करेंगे, और दरबार में भी थरिया तसल्ली करवाऊंगा पूरी पूरी, कि भाई हो सके मैं अपने मुंह से किसी के बारे में बहुत कुछ कह दूं, लेकिन उसका तथ्य उसके पास होना चाहिए। तो महाराज जी फिर ये देवता नहीं आते तो फिर आवे कौन है, कौन ये सवाल जवाब कराए, कौन ये संकट काटे हैं? आप ये लगाओ कि भक्तों के बारे में ऐसी चीजें बोलते हैं, चलो भक्तों का तो मैंने अब देखो थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा, मैंने इस बारे में खुल के बताओ हमारे दर्शक जब समझ में होगा, कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, पर एक एक चीज खोल दो, ध्यान कर रहे हैं, और बताया गया कि जो लोकल भाषा की माता प्रवेश कर गई है वो तो हो गया ढोंग जी, आपकी बहन बेटी, आपका भाई बड़ा बुजुर्ग, उसके अंदर क्या आया हुआ है,
या तो फिर वो भी ढोंग कर रहे हैं। भगत एक ढोंगी हो उसके, जो हजारों पब्लिक झूम रही है वो भी ढोंगी। इसका मतलब पहले बात की गहराई को समझो, मैं इस बात का बिल्कुल निचोड़ करूंगा जी। अगर वो परेशान है, आप कह दो कि उनको मानसिक बीमारी है, तो भाई हम कहते हैं मानसिक बीमारी हमारे दरबार है खुद केस। जो डॉक्टर कहते हैं ना, ये मान ले वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है प्रेतवादा, भाई हम खर्चा उठा रहे हैं और हम कर रहे हैं आप मानसिक बीमारी ठीक कर दे उसकी, तो बीमारी है नहीं उस प्रकार की, ठीक कौन कर देगा? वो तो पागल कह देना या कुछ भी कह देना, उस बेचारे का अपमान है, क्यों घर तो उसका बर्बाद हो रहा है। ठीक बात है। और दूसरी बात, जब उसके अंदर नेगेटिव चीज आ रही है जी, तो भगत के अंदर ही पॉजिटिव चीज आ सकती है। लेकिन देवता, देखो देवता हमारे 16 कला पूर्ण होते हैं, 16 कलाएं बहुत सारी होती हैं, इसके बारे में बताने का ये समय है नहीं अभी, लेकिन आप इनके बारे में रिसर्च करना, देखना। 16 कला संपूर्ण देवता होते हैं, जैसे कि भगवान अलग अलग भगवान का अलग अलग महत्व है, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया उनके अनुसार उनकी कलाएं हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक इंसान के अंदर इतनी कलाएं नहीं हो सकती। अब उनके जो सतयुग था, अब सतयुग और कलयुग में तो भैया फर्क है नहीं, ये बात तो सही है महाराज जी। पर मेहंदीपुर दरबार में ना मैंने एक चीज़ और देखी है, एक बात, एक दो बात मैं वहाँ पुजारियों से मिला हूँ स्पेशल, तो मैंने पूछा है, वो बहुत कहेंगे कि भी जितना इस संकट ने घर में उजाड़ कराया है उसकी रक्षा खातर हमने एक दूत दे दिया। ये दूत महाराज कौन है महाराज जी? दूत कोई किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, ये सब बाबा की कृपा अपना आप होती है। जब बाबा संकट को काटते हैं जी, तो देखो कहते हैं कि ज्ञान फैलाने से फैलता है और दबोचने से लुप्त हो जाता है, और यही मूर्खता आज तक रही है। तो उस चीज को मैं उजागर करूंगा कि जब बाबा हनुमान बालाजी महाराज मेहंदीपुर सरकार जब संकट को काटते हैं, तो संकट बाबा के चरणों में वचन भरता है। वो तो आप सभी ने देखा है कि संकट कहता है बाबा मैं आगे नहीं आऊंगा, छोड़ के जाऊंगा। ये जी ये सबकी देखी हुई बात है, भाई मेरा वाक्य नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, ये सब सब सबकी देखी हुई चीज है। सब देखते हैं, देख लो ना जी, बिल्कुल देखी जाती है, मेहंदीपुर में होता है ऐसा, इसमें ना आप हो ना मैं हूं, ये खुला जाके देखो। नाग रगड़ता है कि मैं जाऊंगा, उस परिवार में सुख शांति हो जाती है। हाँ। तो वो प्रेत आत्मा कहां गई, इस पर करना तो चाहिए विचार चरणों में जी। अच्छा, और बालाजी महाराज ने उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दिया या कुछ भी कराया, उनको शुद्ध कर दिया, तो भूत से वो दूत बन जाते हैं बाबा के गण। यो है भाई दूत। और ये दरबारों में बाबा की जगह दरबारों में ये संकटों को काटने में सहायक करते हैं, गुप्त मार लगाते हैं। अच्छा, ये दूत महाराज है, हनुमान आ रहे हैं, वो भक्तों के भाव होते हैं कि हाँ भाई बाबा ही शक्ति है तो हनुमान का। हाँ। यार बाबा तो मिनटों पर हाथ उठा देता है हमारा, बस की तो भाई हम इंसान जोड़ी मां क्यों इतने उपद्रव कर रहे हो, वो कर रहे हैं। अभी नू भी कहते हैं भाई माता है शेर में बैठ जा। हाँ। अरे शेर शेर माता जब माता के गण है, सेवा भाव कर रहे हैं उनको, थम कर्ण मत दो, दूत है। अब वही बात है जी, बाप मर बेटे में तो फर्क हो से। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और सुनो, भक्ति की परिकाष्ठा है जी, जिसमें की असली परिकाष्ठा होगी और वो होगी जी, उड़े शेर भी आ जोड़ के बैठ जाए। अगर मारदादा गुरु है गोपालदास महाराज, उनका स्थान है जी पहल में। अच्छा, अपने खैरथल के पास पहल है। हाँ। मारदादा गुरु है। अच्छा। गोपालदास महाराज। हाँ। आप वहां जाके उनकी महिमा सुनो, शेर चीते गभीरे नु बैठे रहा करते महाराज जी दोरे, उनके अमृतवाणी में भी ये सारी चीजें खुल गए हैं। तो भाई जहां संत तो बराबर में बैठे हैं, देखो हमारा इंसान योनि में कोई भी है, चाहे हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतना शुद्ध शरीर नहीं है कि साक्षात आज के दिन कलयुग में देवता के दर्शन संभव है या नहीं है। ऋषि महात्मा घुण लग गया तपस्या करते करते, उन मालिक नहीं मिले, उस चीज का दावा नहीं कर रहे हम बिल्कुल भी। ये दूत की चीज है जो बाबा की एक होती है, भगत के ऊपर मेहर छाया पड़ती है, और असली तो बाबा के नाम की देखो मस्ती होती है। और हम तो ये बात कहते हैं जी, साधु संत वाणी सच्ची हुआ आग्रह, चाहे वो भगत बाबा के नाम पर बैठ कर जैसे भी परमात्मा नाम ले रहे हैं, उनका आग्रह मंजिल सबकी एक है, और रस्ते न्यारे न्यारे तंटोण खतर सांवरे करुष कीर्तन धारे। देखो एक बंदा जाप करके परमात्मा को जाता है जी, एक कीर्तन में नाच कर जाओ है, को नाच अनुका देखे पोक कर रहा है, अरे वो उसकी प्रवृत्ति है भाई, लेकिन उसके मुंह की वाणी जात्रा नू होगा। जब मालिक जात्रे भंडार भरेंगे तो भाई वाणी फलती है, वो भंडारे भरे हैं। ठीक बात है भाई, संतों की तो वाणी फड़े आकर है, ये बात सही। भूत का ये फर्क था जी, ले भाई ईब थारासन से मेरे ख्याल में तो 100% मिट गया होगा, और जी नास्तिक का कभी मिट नहीं सकता। नहीं, नास्तिक तो
हमने सुना है, ये तो एक मेन टाइटल मैंने देखा था मेहंदीपुर में कि नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं बाबा तेरे दरबार में। बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह थी भाई कि जो तुम कहो थे अगर भाई माता शेर पर जाकर क्यों नहीं बैठती, हनुमान आ क्यों कर गया, ये बात आज खुल गई है। क्योंकि अक जो बाबा के आशीर्वाद जो दूतों हैं उन्हीं की इच्छाएं आती है, वही एक दूसरे काम करते हैं। जी महाराज, नास्तिक इंसान ही है जो धर्म के नाम पर आडंबर कर रहा है, वो किसी भी मंदिर में जाकर के दरबार में ये कह दे जी भगत जी माता हरी माता दिखा, भाई तीन दिव्य दृष्टि तेरे अंदर भी ना, तू माता मन मान मैं तो कह दू जी यहाँ खड़ी है, आपने दिखाई दे रही है, तो इस चीज का कोई जवाब नहीं होता जी। धर्म के मामले में, धर्म के मामले में कितनी बहस कर लो, कहने वाले डॉक्टर भी कहते हैं भाई ये चीजें कुछ नहीं होती किसी प्रकार से भी, भाई भूत प्रेत बाधा कुछ नहीं होता। तो एक छोटी बात है जी, मान ले कि कईयों को दवाई नहीं लगती, कई चीजें होती हैं, आपने बेसिक देखा होगा, और हमारी बड़ी बुढ़ी आप भी करें देखता है बाड़ा की नजर होगी, नूह हो गया भैंस दूध ना दे रही, देवता के नाम के 11 रुपये टेक दिए, देखो बरकत हो सक नहीं, ये तो आपके अजमायड़े हैं नू, आप देसी भाषा में कह दिया हाँ माता निकलेगी। अब देखो हम ज्यादा ज्ञान है नहीं, इंग्लिश में भी कुछ बीमारी कह अगर दाने आगे माता आएगी दवाई दिया चिड़ जाए है, और हमारी दादी कहने अपने सबकी दादी भाई माई के नाम के सवा सिर गेहूं टेक दे, और देख कति फूल ही दे हो जाए, तो ये इन चीजें आप कैसे उठला दोगे। बात तो सैनी है, देखो इस बात में दम है मेरे दर्शकों, ये चीज हो खुलने की कि जो हमारी दादी हर हमारी ताई हर जो कराया करती हुए कि वे भी पाखंड कराया करती। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनके अंदर सच्चाई है, तो अपने अंदर की भाई घर की चीजें संभालो, किसी की भी आमा नहीं मिलाया करते उस चीज को बिना समझे हुए बिना, क्योंकि आप खुद अपने जो हमारा हरियाणवी कल्चर है हमारा देसी जो भी है, तो जो बड़े बुढ़े करके वो चीजें गलत नहीं मिलाया करते, देवता धोखा तो भाई देवता धोखेंगे। अब नु कहते महाराज जी आप तो अपना अपना पुजवा रहे हो, एक दे मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा अपने ऊपर लेकर आऊंगा भाई, चलो मैं बुराई मान लियो, महाराज जी जब आप बैठे हो तो भाई मान लिया हम तो देवता ने बोले सीधे आप क्या जरूरत है, तो जरूरत हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बालक शहर में भी है भाई सबके दादी माँ ना बैठी समझाने ने, वो बालक मारते भी आके पूछ ले गुरु जी क्या करें, गुरु की पदवी पे है लेकिन जो समाज माँ खोल बना दिया ना, सभी भक्तों का अपमान कर दिया, एक तो एक भक्त अपने हरियाणा में हर यूपी में राजस्थान में हर जगह हुए हैं, तो भक्तों में मिलकर इसको आपने शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी और लाइक भी करना ताकि जन साधारण तक ये चीजें आपकी पहुंच पावे और पता चले कि क्या सही और क्या गलत है, और इस बात में कुछ भी गलत लगे आपने आप कमेंट भी कर सको, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, कहते भाई आप भी क्या हो सकता है माता के बीच में, हम तो खुद धोख लेंगे, आप सब ने माँ बाप की भी कोई आवश्यकता नहीं है, माँ बाप ये बताता है बेटा इस प्रकार से खाना खाना और इस प्रकार से चलना है, बेटा उरे लगा उरे छपा उरे तेरा नुकसान होगा, तो देखो गुरु की पदवी पर जो होता है जो मान्य उसके लिए सब कुछ, तो हम खाली सही गलत बताने के लिए हैं कि बेटा इस प्रकार से कर ले मन मानना। देखो आप देसी गांव में हो आपने ज्ञान भी हो, कुछ भाई ऐसे भी हैं आपके ही जो शहर में जो चीज़ देख रहे होंगे अगर भाई यह चीज़ ऐसे है ऐसे उनको नहीं पता, तो वो दरबार में आके पूछ सकते हैं।